नमस्कार, मैं डॉक्टर अधेश राणा आज फिर हाजिर हूँ एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एजिंग, अर्थात हमारे चेहरे पे झुर्रियों का आना। दोस्तों, यह प्रोसेस एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि हमारे जीवन में आता है, पर दोस्तों यह कभी कभी असमय हमारे जीवन में आ जाता है और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, अपने इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका अपने इस हेल्थ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि हमारा शरीर हर 6 महीने में जो है एक नया रूप ले लेता है, अर्थात कि वो 6 महीने का ड्यूरेशन जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर तमाम कोशिकाएं जो है नई कोशिकाओं के द्वारा जो है रिप्लेस कर दी जाती हैं, अर्थात हमारे शरीर के अंदर जैसे ही कोई कोशिका डेड होती है तो उसकी जगह जो है नई कोशिका आकर के उसके स्थान को ले लेती है। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है हमारे शरीर के अंदर नंबर ऑफ डेड सेल्स जो है इनकी संख्या बढ़ जाती है और इनका स्थान लेने के लिए जो है नई कोशिकाओं की कमी पड़ने लगती है, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेड हुई कोशिकाओं का स्थान खाली रह जाता है और वहां पे जो है हमारी स्किन जो है श्रिंक करने लगती है और जो कि हमारे चेहरे पे झुर्रियों के रूप में दिखाई देना शुरू कर देती है, जो सबसे पहले हमारे आंख के आसपास या हमारे मुंह के पास या नेक रीजन में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ कारण, वो कौन से कारण हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर डेड कोशिकाओं को ज्यादा बढ़ाते हैं और नई कोशिकाओं के निर्माण को जो कम करते हैं। इसमें सबसे पहला कारण होता है हमारे शरीर के अंदर खून की कमी, यानी कि एनीमिया। अगर आपको एनीमिया है लंबे समय तक तो ये आपको एजिंग का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। दूसरा कारण होता है ओवर एक्सपोजर टू द सनलाइट। अगर आप अपना काम ज्यादा से ज्यादा धूप में निकल करके बाहर फील्ड में करते हैं तो ये भी एक कारण होता है। तीसरा कारण होता है अगर आपको थायराइड या डायबिटीज है। चौथा कारण जो होता है अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं टोबैको या ज्यादा से ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो ये भी एक एजिंग का बहुत बड़ा कारण होता है। पांचवा कारण होता है अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहां का एयर यानी कि पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे है तो आपको ज्यादा से ज्यादा एलर्जी होने के चांसेस हैं और इस तरह से आपके शरीर के अंदर जो है डेड कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। छठा कारण होता है लंबे समय तक तनाव या स्ट्रेस में रहना। सातवां कारण होता है जेनेटिक, अर्थात आपके माता पिता से ये चीजें आपको मिल सकती हैं। आठवां कारण होता है नो बैलेंस डाइट। अगर आपके डाइट में जो है प्रोटीन की मात्रा कम है या विटामिन मिनरल्स की मात्रा कम है तो आपके शरीर के अंदर जो है एंटीबॉडीज कम बनते हैं और इसकी वजह से जो है हमारे शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्री रेडिकल्स हमारे कोशिकाओं को डेड करते हैं और ये एजिंग का बहुत बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, नवा कारण होता है लैक ऑफ स्लीपिंग, नॉट प्रॉपर स्लीपिंग। अगर आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही है, 7 से 8 घंटे की अगर आपको साउंड स्लीपिंग नहीं हो पा रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है एजिंग का। दोस्तों, अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहले हम बात करेंगे जिंगो बाइलोबा का मदर टिंचर। जिंगो बाइलोबा का मदर टिंचर आपको जो है आधे कप पानी में 10-10 बूंद डाल करके सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना है। ये जो है हमारी कोशिकाओं को हेल्दी रखने में जो है काफी हेल्पफुल है। दूसरी दवा जो है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर हमारे शरीर की ड्राइनेस को कम करती है और हमारे जो है शरीर के अंदर जो है वाटर सप्लाई को बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाओं की जो है फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और हमारी कोशिकाएं जो है लंबे समय तक जीवित रहती हैं। नेट्रम्यूर को आप सुबह जो है 200 की पोटेंसी में रोजाना एक डोज ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन होती है करकेलिया फ्लोर। करकेलिया फ्लोर जो है ये हमारे स्किन की जो है
इलास्टिसिटी को बढ़ाती है, यानी कि हमारे स्किन के अंदर किसी भी तरह का डिहाइड्रेशन नहीं आने देती है। कैल्केरिया फ्लोर को जो है आप 200 की पोटेंसी में रात को एक खुराक सोते वक्त ले सकते हैं। दोस्तों, चौथी मेडिसिन आती है कालीफास 6x। कालीफास 6x चार चार गोली आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम लेना है, जो कि आपके नर्व इंजरी को सही करती है। दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी एज रिलेटेड, एजिंग के रिलेटेड, अर्थात हमारे शरीर के और चेहरे पर असमय आ रही झुर्रियों को रोकने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मैं आपसे लास्ट में यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।